आपने वो कविता सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की, इतने ज्यादा इंस्पिरेशनल फिगर की, जिसके बारे में ये कविता थोड़ी चेंज हो गई है। और अब ये कविता हो गई है, खूब दौड़ी मर्दानी वो तो आसाम की रानी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिमा दास की, जिन्होंने भारत का तिरंगा, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया, फहरा दिया। हर कोई इनकी बात कर रहा है, पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत में भी अब ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको टक्कर ही नहीं दे सकते, हरा भी सकते हैं। और उन सबके मुंह पे ताले लगा दिए जो ये समझते हैं औरत कभी भी मर्दों से कंपीट नहीं कर सकती। मौका दे के देखिए, आपसे चार पांच कदम आगे नहीं है, पूरी दौड़ ही आगे है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे हिमा दास की, उनकी बायोग्राफी बहुत ही जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरी है, देखेंगे हम। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे फेसबुक पेज @ecconnect पे आप सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओल्ड पेज एजुकेशन कनेक्ट के जो नाम से था वो डिलीट हो गया है। आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। और मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है, वहां पर भी आप क्वेश्चन या फिर फॉलो कर सकते हैं। खजाना लाए हैं हम मात्र 22,500 रुपए में, पूरा का पूरा यूपीएससी का पेन ड्राइव कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव पेन ड्राइव कोर्स। बाहर जाके लाख लाख रुपए देने की आपको जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठ के तैयारी कीजिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। स्टडी आईक्यू पूरा आपके साथ है। और कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं पूरी तरह सारे एग्जाम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, एक एक चीज हम देखेंगे, इनका सफर देखने वाले हैं हम। देखिए भारत में कुछ इस तरह का हाल है कि औरतों की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली गांव में। घर बैठो, चूल्हा चौका करो और कुछ नहीं करो, ठीक है। मैक्सिमम बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको अपने ही एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि एक मतलब मेरे मोहल्ले में, ठीक है, क्या है कि एक लड़की जो है वो छोटी सी ही है, 12-13 साल की, तो आती है काम करती है। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी ये बंद होना चाहिए, बैन होना चाहिए। पहली बात तो हमको अपनी लग्जरी छोड़ के सारा काम खुद से ही करना चाहिए, महात्मा गांधी का ये विजन था, ठीक है। तो ऐसे ही एक बार मैंने उससे पूछ लिया, बेटा तुम, वैसे मैं पूछता रहता हूँ कि बेटा तुम स्कूल जाती हो कि नहीं, पढ़ती हो कि नहीं, तो उसने बोला कि मन तो है लेकिन घर वाले भेजते नहीं हैं। तो जब उनके घर वालों से मैंने बात की तो उनका कहना ये था कि नहीं नहीं स्कूल जाके क्या करेगी, वहाँ पे कुछ नहीं होता है और कुछ भी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। तो आम तौर पे टेंडेंसी, हालांकि मैंने उसको बिल्कुल आश्वासन दिया कि परेशान ना हो, वैसे मैं पढ़ाता ही हूँ सबको, ठीक है, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मैंने बोला कि तुम इधर पे आया करो और जैसे सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ा करो, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि औरतों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता गाँव में स्पेशली, और जो लोअर तबका है उसमें तो बिल्कुल भी, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, उनको जाने नहीं दिया जाता, उनको सिर्फ काम कराया जाता है। ऐसे में एक ऐसी लड़की का जीतना, विजय होना, ये इस बात का संकेत है कि अगर हम अपनी महिलाओं को, जो पूरी की पूरी फीमेल मेजॉरिटी है, उसको मौका दें तो क्या से क्या हो सकता है। और आपको बता दूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो कि भले ही कितना भी चीख पुकार मच जाए वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन जो सच है वो सच है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। रिपोर्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स ने तो ये भी कहा है कि अगर इंडियन फीमेल्स, इंडियन वुमेन्स पूरी तरह से इकोनॉमी में आ जाएं तो भारत की जीडीपी 3 गुना तक बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ है, तो हमको इस चीज पे अब ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बातें बहुत हो गई, काम बहुत कम है, काम करना पड़ेगा, बातें कम करनी पड़ेगी। तो हिमा दास जो है बिल्कुल ऐसे ही परिवार से आती थी। उनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी का नाम जो था रोंजी दास और उनकी माताजी का जो नाम था वो था जोनाली दास। ये थे राइस फार्मर, किसान थे ये, ठीक है, चावल की खेती करते थे आसाम के छोटे से गांव में, नॉर्थ ईस्ट में, ढिंग नागांव जो कि आसाम में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 2000। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा काम कर जाएंगी, आज तो हर कोई इनको सराह रहा है। यही अब बदकिस्मती है कि भारत में प्रूव करने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है और इसमें ना जाने कितने ज्यादा टैलेंट दब जाते हैं, कितने ही ज्यादा टैलेंट है जो आजकल स्पेशली जो छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, वो या तो कूड़ा उठा रहे हैं या फिर पंचर बना रहे हैं। और कितने ज्यादा ये टैलेंटेड हो सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं अगर इनको मौका दिया जाए, हमको ये चीज सोचनी चाहिए, ठीक है। तो हिमा दास ने क्या किया, जब इनका जन्म हुआ था, इनके परिवार के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, तो
तो इनको स्ट्रगल करना पड़ा। अब ये नहीं कि बहुत ज्यादा गरीब था इनका परिवार, नहीं, शायद बहुत ज्यादा गरीब होता तो इस मतलब यहां तक तो फिर पहुंच ही नहीं पाती, मतलब काफी गरीब था फिर भी पैसे नहीं थे, ठीक है, पढ़ाई कंटिन्यू करने में या एथलेटिक्स में जाने में। लेकिन हिमा दास का जो पहला प्यार था वो खेल ही था। अब इसमें खेल, इनका पहला प्यार फुटबॉल था, ये फुटबॉल से बहुत ज्यादा प्यार करती थी भैया अपने, जो वहां पे क्या था कि गांव में लड़कियों को बहुत ज्यादा निकलने नहीं दिया जाता था, तो भैया ये लड़कों के साथ जाके फुटबॉल खेलती थी, मैं तो लड़कों के साथ खेलूंगी, बहुत ज्यादा इनको मना किया जाता था लड़कों के साथ मत खेलो, ये मानती ही नहीं थी, कहते नहीं मैं खेलूंगी लड़कों के साथ, बहुत ही स्टबर्न थी ये, जिद्दी थी ये। और भैया अगर औरत जिद पकड़ लेना तो उसको फिर वो तो फिर जीत के ही मानती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जिद्दी बनिए अपने लक्ष्य को लेके, और ये लक्ष्य को लेके जिद्दी थी, प्रूफ कर ही दिया इन्होंने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो भैया ऐसा था, ये फुटबॉल बहुत ज्यादा बचपन से खेलती थी, लेकिन जब इनको देखा, ठीक है, शम्स उल हक ने जो कि इनके पहले कोच थे, तब जब इन्होंने देखा कि इतने अच्छे तरह से ये खेल रही है, इतना ज्यादा फिट है, ये तो बहुत कमाल कर सकती है, तब इनको ये एडवाइस दी कि तुम फुटबॉल छोड़ के एथलेटिक्स में आओ, तुम दौड़ो, तुम वहां पे कमाल कर सकते हो। लेकिन वहां पे भी नहीं मानना था, बोला कि नहीं नहीं मुझे तो फुटबॉल खेलना है। नॉर्थ ईस्टर्न में फुटबॉल बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और काफी लोग चाहते हैं कि उनका जो प्रोफेशन हो फुटबॉल हो, ठीक है, तो बोलते हैं नहीं नहीं मुझे तो फुटबॉल खेलना है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा मनाने के बाद ये मान ही गई, ठीक है। तो काफी ज्यादा फुटबॉल खेलती थी, और भैया फुटबॉल ऐसा नहीं कि इन्होंने सारी परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दी थी, नहीं, खेलने के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ घर भी आती थी ये, ट्रैक्टर भी चलाती थी ये, घर में काम भी बटाती थी और पढ़ाई भी करती थी। और सबसे बड़ी बात आपको एक चीज और बता दूं, ये जो थी ना शुरू से ही बहुत ज्यादा सोशल ओरिएंटेड थी। इनके बगल में एक शराब की दुकान थी, ठीक है, वहां पे लोग अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, काफी बदतमीजी भी होती थी वहां पे, तो गई ग्रुप के साथ गई, वहां पे इन्होंने अभियान छेड़ दिया कि इसको बंद करो, हम कुछ नहीं जानते, इसको बंद करो। जो लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी उनके लिए एक छोटा सा मूवमेंट चलाया, सबको अवेयर किया कि आप स्कूल भेजिए, ठीक है। तो शुरू से ही इनका जो नेचर था वो इसी तरह था, विनर एटीट्यूड जो था ना वो शुरू से ही था, डरती नहीं थी किसी से, ठीक है, तो इस तरह का था। तो अब शुरू की जो इन्होंने स्कूलिंग है वो ढिंग पब्लिक हाई स्कूल में पूरा अटेंड किया, और वहां से इन्होंने एज अ फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। फिर वहां से जो कोच हैं शम्स उल हक, इन्होंने इनको पहचाना, इनके असली हुनर को पहचाना। ये टीचर थे, ठीक है, जवाहर नवोद्यालय के टीचर थे, और वहां पे क्या हुआ था, मोरीगांव आसाम में एक कैंप लगाया गया था। कैंप बेसिकली क्या कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, काफी कंपटीशन हुआ। अब हिमा दास ने वहां पे जब पार्टिसिपेट किया तो उन्होंने सारे के सारे कंपटीशन जीत लिए। अब सारे के सारे जब उन्होंने कंपटीशन जीते तो इनके कोच बोलते हैं कि इसको ट्रेन करो, कुछ भी करके इसको ट्रेन करो, ये बहुत जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है, इस पे लगा दो दांव, ठीक है। तो ये चीज थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। आपको पता, जब हिमा दास एथलेटिक्स में आई थी, जब स्प्रिंटर बनी थी, तो उनके पास स्पाइक्स तक नहीं थे, जूते तक नहीं थे। और स्पाइक्स जो होते हैं वो किसी भी एथलीट के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। क्या होता है कि वो बेस आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बिना आप सोचिए, मैक्सिमम स्पोर्ट्स में स्पाइक्स ही यूज होते हैं, आम जूते वहां पे काम नहीं करते। आप सोचेंगे कि आम जूते पहन के दौड़ जाए तो ऐसा होगा नहीं, स्पाइक्स से आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। दूसरी बात, आपको एक बेस मिलता है, आप आसानी से दौड़ सकते हैं। बहुत महंगे आते हैं और इनके पास स्पाइक्स नहीं थे क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं था। इनके पिताजी ने बोल दिया था कि भैया देखो इतना पैसा नहीं, हम लगा नहीं पाएंगे, लेकिन वो तो जिद थी हिमा दास की और टैलेंट था जो उनको बहुत आगे तक ले जाई। तो इनका जो आधा काम था वो इनके कोचेज ने किया। देखिए कोचेज जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की भी जिंदगी में, स्पेशली प्लेयर की जिंदगी में, क्योंकि वो गाइड करते हैं। वो या तो जिंदगी बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, दोनों चीज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के कोच है, ठीक है। तो भैया क्या था कि इनके कोच ने बहुत अच्छे से इनको सपोर्ट किया और वेल ट्रेन किया, ठीक है। इनका खर्चा जो था, मैक्सिमम खर्चा उनके कोचेज नहीं उठाया, ठीक है, जब इनके पास स्पाइक्स नहीं थे और जब रहने की भी जगह नहीं थी, जब इनको एंट्री की थी तो सब कुछ इनके कोच ने ही पूरा ऑर्गेनाइज किया था। तो ये बहुत बड़ी, तो अब क्या है कि अब क्या हुआ कि इनको फिर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिलने लगी, ठीक है। इनके कोच ने शम्सल उल हक ने बोला कि ऐसा है कि इसको ट्रेन करो और बहुत ही प्रॉपरली ट्रेन करो और चीजें सही हो सकती हैं। अब भैया आपको क्या करना होता है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाइए, ठीक है, फिर स्टेट लेवल पे जाइए, और उसके बाद फिर आप अगर उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आप नेशनल लेवल पे आ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में इन्होंने कमाली कर दिया चैंपियन, ठीक है, इतना आसान नहीं रहा था। धीमे 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 इन्होंने ट्रेनिंग की और बहुत जबरदस्त तरीके से रफ्तार पकड़ी। देखिए हिमा दास में सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये थी, एक खिलाड़ी को इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है,
और ये एक एथलीट तो थी ही, लेकिन बहुत दिमाग था। इनके कोचेस बताते हैं कि इनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहली बात, इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी और बिना ट्रेनिंग के बावजूद इन्होंने ऐसा परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि 2011, 2012, 13, 14 कितनी उम्र थी इनकी, मस्त 13, 14 साल। और उस लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स थे वो ऑलरेडी वेल ट्रेन्ड थे और काफी सालों से ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हिमा दास ने सबको पछाड़ दिया। गॉड गिफ्ट है ये, टैलेंट है ये, मेहनत है ये, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि हिमा दास जब गांव में प्रैक्टिस करती थी तो उनका लेवल क्यों इंप्रूव हुआ ये बता रहा हूं, क्यों इतना अच्छा हो गया जो खेल है, तो जो रोड थी वहां पे कीचड़ हो जाता था। तो भाई अब ट्रेनिंग तो करनी है और गांव में है, खेत है, कीचड़ है, रोड है, कीचड़ है, बारिश में, तो वो बारिश में दौड़ती थी, उस कीचड़ में दौड़ती थी नंगे पांव। तो इस तरह का डिटर्मिनेशन था, उनको फर्क नहीं पड़ रहा था ईटा है, पत्थर है, क्या है, बस दौड़ना है, ट्रेनिंग करनी है तो दौड़ना है। इस तरह का डिटर्मिनेशन लेके आई थी हिमा दास मैदान में, ठीक है। तो ये चीज थी। तो भैया जब आई वो, ठीक है, तो उन्होंने पहले तो डिस्ट्रिक्ट की चैंपियन बन गई, सबकी नजर में आ गई, बहुत बड़ा इवेंट होता है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियन है डेफिनेटली आप नजर में आ जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे ऑफिशियल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं वहां पे, नजर में आ गई नवाजीत मलाकर के, ठीक है, जो कि कोच थे। उन्होंने बोला कि ठीक है इसको ऑल ट्रेन करो। और एक चीज और बता दूं कि जब तक वो विलेज में थी तब तक उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक भी नहीं देखा था। जब उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक को देखा तो चौंक गई, उन्होंने कहा ये क्या है, मुझे यहां पे दौड़ना है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरह का था, कोई ट्रेनिंग के बिना इतना कुछ जीतना ये आसान बात नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ, अब इनका करियर आगे बढ़ता है। देखिए, इनकी जिंदगी को सबसे बड़ा बदलने में जो काम किया वो इनके कोच निपुण दास ने किया। उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, बहुत ज्यादा टैलेंट है, अब तुमको शिफ्ट होना होगा गुवाहाटी, क्योंकि वहां पे ही आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है, तो तुमको वहीं पे ही शिफ्ट होना होगा और जो भी तुम्हारी ट्रेनिंग है वहीं से ही करो, सारा का सारा वहीं से करो, क्योंकि तुम स्टेट लेवल क्या, तुम नेशनल लेवल पे जा सकते हो और वहां पे नाम रोशन कर सकती हो। कन्विंस कर लिया उन्होंने और वो गुवाहाटी शिफ्ट हो गई। वहां पे इनकी रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और जब तक वो वहां पे रही तब तक इन्हीं निपुण दास ने उनका पूरा का पूरा खर्चा उठाया, क्योंकि पैसे थे नहीं, ठीक है। तो ये चीज थी। फिर वहां पे सारुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, बहुत बड़ी स्टेट एकेडमी है बेसिकली, ठीक है। और ये गुवाहाटी का वन ऑफ द टॉप स्टेडियम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टेडियम है। वहीं पे ही बगल में शिफ्ट हुई ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तुरंत आती थी, ट्रेनिंग करती थी, सुबह से शाम तक इनका यही शेड्यूल रहता था, ना खाना, ना पीना, ना सोना, सिर्फ भागना, तो ऐसा कुछ था इनके पास, ठीक है। अब क्या था कि अब वक्त आ गया था कि इनको टेस्ट करें। बहुत तेज थी ये, इतनी तेज थी बिजली की रफ्तार से भागती थी ये। और एक चीज और इनके कोच और चीज बताते हैं कि इनमें एक और बहुत बड़ी बात ये थी कि ये बहुत ही स्लो स्टार्ट करती थी, ठीक है, पहले स्लो स्टार्ट करती थी लेकिन धीमे धीमे स्पीड पकड़ती थी, जैसे ट्रेन्स होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, वैसे तो रॉकेट्स तो नहीं, उनकी तो शुरू से ही बहुत जबरदस्त थ्रस्ट होता है, ठीक है। तो उस तरह की थी ये, और किसी भी बड़े एथलीट की निशानी होती कि पहले वो बहुत ही स्लो स्टार्ट करता है और उसके बाद ऐसी स्पीड पकड़ता है कि सबको पीछे छोड़ देता है, ठीक है। तो इससे उन्होंने सबको इंप्रेस कर लिया और ये इंप्रेस कर लिया कि हाँ अब वक्त आ गया कि इसको वाकई में नेशनल लेवल के मैदान पे उतारा जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा इनकी ट्रेनिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ टैलेंट की बदौलत इनको जमीन पे उतारा गया और उसके बाद हिस्ट्री बनती चली गई। सबसे पहले 2018 कॉमनवेल्थ में 400 मीटर मतलब आधा किलोमीटर, बहुत आधा किलोमीटर काफी होता है, ठीक है, 400 मीटर में इन्होंने रेस की और उस कॉमनवेल्थ गेम में 6th आई थी, ठीक है, 51.32 सेकंड, काफी अच्छा टाइम था ये, ठीक है, और सिर्फ 1.1 सेकंड दूर थी ये अब जो गोल्ड मेडलिस्ट थे अमांटले मोचो, जो कि बोट्सवाना के थे, ठीक है। तो ये बड़ा इनके लिए दुखदाई रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद इन्होंने और रिगोरस ट्रेनिंग की और फाइनली भैया वो ग्लोरी का पल आ गया जिसके लिए सब वेट कर रहे थे। और अभी हाल ही में जुलाई में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में भैया टैंपियर फिनलैंड में इन्होंने सबको पछाड़ते हुए 51.46 सेकंड में रेस जीत ली और पूरी दुनिया को यह दिखा दिया, देख लो मैं यही खड़ी हूं और हिंदुस्तान भी यही खड़ा है, यही आने वाला भविष्य है।
इतना जबरदस्त इन्होंने जीता भैया। आपने रेस देखी है कि नहीं? जिन जिन ने भी नहीं देखी है आज ही YouTube खोलिए और हिमा दास की रेस देखिए, पता चल जाएगा। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही स्लो दौड़ी थी लेकिन उसके बाद एकदम से आगे निकली, ठीक है। शुरू में तो कोई ज्यादा चीयर भी नहीं कर रहा था, कमेंटेटर भी सुस्त थे, पता भी नहीं था हिंदुस्तान कहां है, लेकिन उसके बाद ऐसी स्पीड पकड़ी कि कमेंटेटर भी एकदम हक्के बक्के रह गए कि भैया हुआ क्या, ये हो क्या गया, जो कभी नहीं हो वो आज हो गया। और इन्होंने गोल्ड मेडल वहां से जीत लिया, पहली आई है, ठीक है। और उसके बाद फिर बधाई का तांता लग गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, जितने भी एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, वीरेंद्र सहवाग, स्पोर्ट्स प्लेयर्स, सबने इनको बधाई दी। और भैया अब तो शायद मूवी भी बन जाए, क्या पता, ठीक है। तो ये चीज थी, लेकिन ये अंत नहीं है, अभी बहुत सी ऐसी रेसेस आनी बाकी हैं और अभी हम हिमा दास को और भी बहुत सारी रेसेस जीतते हुए देखेंगे, स्पेशली जो सबका सपना है ओलंपिक्स। एथलीट्स कम है, ठीक है, भारत में एथलीट्स कम है। अब इसमें व्यवस्था की बहुत बड़ी चूक है, सिस्टम की डेफिनेटली एक पूरा का पूरा रिफॉर्मेशन चाहिए। वैसे तो हर ही सिस्टम में रिफॉर्मेशन चाहिए इंडिया के, लेकिन स्पोर्ट्स में तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ताकि हम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर पाए और दिखा पाए कि हम में कितना दम है, ठीक है। तो ये हिमा दास ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव छेड़ दिया है जीत के, ठीक है, एंड आई होप कि अब बहुत अच्छा हो और भी एथलीट्स आए और भारत का नाम रोशन करें। तो ये चीज थी। अब जब ये जीती, ठीक है, जब इन्होंने रेस जीती तो तिरंगे को इन्होंने लपेटा और ऐसा लग रहा था हिमा ही भारत है, क्योंकि भारत को हम भारत माँ कहते हैं, भारत माता, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि हिमा ही भारत है और बहुत ही गर्व का मोमेंट था, सबको बधाई दे रही थी। इनकी मम्मी को तो विश्वास भी नहीं हुआ था, इनकी मम्मी ने इनको फोन करके जब बताया कि मैं जीत गई हूँ तो इनकी मम्मी ने बोला कि अरे वाह, अब तो यानी कि तुम टीवी पे आओगी ना, तो ये बहुत ही बढ़िया था, इनकी मम्मी ने ही बोला था, ठीक है। इनकी जो फ्रेंड्स हैं, बहुत ही क्लोज ग्रुप था, मतलब जो इनके फ्रेंड्स का ग्रुप था काफी क्लोज ग्रुप था। और एक चीज और बता दूं, बहुत ज्यादा शैतान थी हिमा दास, ठीक है। तो बताती हैं जो इनकी फ्रेंड है पिंगल बोरा, वो ये बोलती हैं कि हम रात रात भर कैरम खेलते थे, जब हम साथ में होते थे हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप था, हम बहुत मस्ती करते थे, रात भर कैरम खेलना, एक दूसरे को छेड़ना, मजाक करना, तो इस तरह का था। और अब जब मैं देखती हूँ कि वो इतना उसने बड़ा काम कर लिया, तो ये वाकई में बहुत ज्यादा गर्व की बात है। सबको शुक्रिया किया, भारत को शुक्रिया किया, सपोर्ट के लिए शुक्रिया किया और बहुत ही ज्यादा खुश थी, एक सबके लिए ये प्राउड मोमेंट था। और सबसे बड़ी बात है इनकी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 18 साल की उम्र में इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, आने वाले समय में तो ये कमाल कर लेंगे। देख सकते हैं आप सीधी ये तस्वीर जो है, जो जिन्होंने अपना तिरंगा पकड़ा हुआ, ऐसा लग रहा है कि सच में भारत की ही ये स्वरूप है ये, ठीक है। तो ये आप देखिए तस्वीर और कितनी ज्यादा खुश है, और डेफिनेटली सबके लिए प्राइड का मूवमेंट है। आई होप कि आगे ओलंपिक गोल्ड मेडल भी ये लेके आए, ठीक है। तो चलिए अब ये मेरे लेक्चर का एंड है, मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसा फिर से चमत्कार हो और मैं बहुत ही बढ़िया लेक्चर दोबारा फिर से आपके लिए उस इंसान का लेके आऊं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए और वेट करिए कि फिर कुछ ऐसा हो और हिमा दास एक बार और बहुत ही बढ़िया करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। एक क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, फिर ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। कुछ नहीं पढ़ते थे, सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।